हेलो दोस्तों तो सिडबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है टोटली अनएक्सपेक्टेड बट हाँ बहुत ही अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं तो अगले 30 सेकंड में मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताने वाला हूं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे हंड्रेड कमिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों एलिजिबिलिटी को यहाँ पे दो टर्म्स में बांटा गया है पहला है एज दूसरा है क्वालिफिकेशन तो एज के टर्म्स में अगर हम बात करें तो अगर आपकी एज 21 से 28 के बीच में है तो यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन जो कट ऑफ डेट फॉर एज के लिए डिसाइड की गई है दैट इज जनवरी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी मोर ओवर दोस्तों अगर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में डजेंट मैटर एमएससी एमए एमकॉम कोई भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप एलिजिबल है हाँ बैचलर पे यहाँ पे थोड़ा कंस्टेंट लगाया हुआ है अगर आप बैचलर इन लॉ है या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो ही यहाँ पे आप एलिजिबल है इसके अलावा सी एसडब्ल्यू सी एस कंपनी सेक्रेटरीज सारी डिग्री इवन पी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल है जो आपका रजिस्ट्रेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वो आपका स्टार्ट हो जाएगा फोर्टीन ऑफ दिसंबर से एंड अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो अभी एग्जाम देने वाले हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है तो आपका इंटरव्यू से पहले अगर आपकी फाइनल मार्कशीट आ जाती है तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट